से होंगे। आज के लेक्चर में हम अप्रैल 2020 के टॉप 20 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि तकरीबन हर किसी में। जाने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं आज के अपने लेक्चर। यूनाइटेड स्टेट्स हैज साइन डिफेंस डील्स वर्थ 3 बिलियन विद विच कंट्री? तो अमेरिका ने डिफेंस डील्स की है जिसकी लागत 3 बिलियन है, वो किस कंट्री के साथ की है? तो वो है जी इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, पाउल बिया हु रिसेंटली वॉन द प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस, पाउल बिया जिसने हाल ही में प्रेजिडेंशियल इलेक्शन जीते हैं, इज द इनकम्बेंट प्रेजिडेंट ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? तो वो किस मुल्क का अहदेदार है? तो वो है जी कैमरून का, अफ्रीकन कंट्री है कैमरून, उसका वो अहदेदार है। कोरोना वायरस COVID-19 came to Pakistan from which neighboring country? Coronavirus COVID-19 Pakistan में आया, किस neighboring country से आया? तो वो जी ईरान से आया। Question number 4 है, Richard John Pice who passed away recently was associated with which field? Richard John Pice जो कि अब हाल में फौत हुआ है, वो किस कंट्री से, वो किस फील्ड से बिलोंग करता है? तो वो जी लिटरेचर से। क्वेश्चन नंबर 5, When is the zero dimension day observed annually across the world? तो zero dimension day पूरी दुनिया में हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। Next, number 6, Government of Pakistan seeks help from which UN organization to combat locust problem? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किस UN organization से मदद मांगी है ताकि वो लोकस्ट प्रॉब्लम का मुकाबला कर सके? तो वो है जी FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है आपका रोम में, जो कि कैपिटल है इटली का। क्वेश्चन नंबर 7, मोइनुद्दीन यासीन रिसेंटली स्वोर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? मोइनुद्दीन यासीन जो कि हाल ही में नया प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो किस कंट्री के हैं? तो वो हैं जी मलेशिया के। क्वेश्चन नंबर 8, द वर्ल्ड बैंक हैज अनाउंस हाउ मच एड पैकेज टू हेल्प कंट्रीज कम्बैट कोरोना वायरस आउटब्रेक? कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने मुख्तलिफ मुल्कों को कितनी हेल्प दी है? तो वो दी है जी वर्ल्ड बैंक ने 12 बिलियन अमेरिकन डॉलर दी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट फ्री नेशन वाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट? वो कौन सी कंट्री है जिसने सबसे पहले नेशन पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री लॉन्च की है? तो वो है लग्जमबर्ग, जो कि यूरोपियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मैनी न्यू प्लैनेट्स वर डिस्कवर रिसेंटली बाय एस्ट्रोनॉमर्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया? तो ब्रिटिश कोलंबिया में माहिर फलकियात ने ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कितने न्यू प्लैनेट्स डिस्कवर किए हैं? तो वो हैं जी 17। नेक्स्ट, द नेम ऑफ नासा रोवर्स फॉर मैस मिशन 2020? तो उसका नेम है परसेवरेंस। तो ये जी नासा रोवर्स मैस के लिए मिशन जो है वो है जी 2020 का। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व? तो इंटरनेशनल वुमेन डे ऑब्जर्व किया जाता है 8 मार्च को, एवरी ईयर 8 मार्च। क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री हैज रिफ्यूज टू प्रोवाइड पासपोर्ट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अंडर सस्पेंशन ओवर करप्शन चार्ज? किस मुल्क ने इनकार कर दिया है कि वो पासपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को अगर कोई भी एम्प्लॉय करप्शन के मामले में सस्पेंड होता है? तो वो है जी कंट्री इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ PIA विद इफेक्ट फ्रॉम मार्च 9, 2020? 9 मार्च 2020 से PIA के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं और उनका नाम है असलम खान। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेरन टैंग ऑफ सिंगापुर हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन? डेरन टैंग जो कि सिंगापुर से ताल्लुक़ रखते हैं, वो न्यू डायरेक्टर जनरल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन किस ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं? तो वो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो जहनी सलाहियतों के मुतालिक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके डेरन टैंग जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं डायरेक्टर जनरल उनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन लीडर कॉल्ड कोरोना वायरस इट्स बिगेस्ट चैलेंज सिंस वर्ल्ड वॉर 2? किस मुल्क के लीडर ने कहा है कि कोरोना वायरस जिस तरह वर्ल्ड वॉर 2 से भी बड़ा चैलेंज है? तो वो है जी जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 17, विच नेशन विल चेयर द फर्स्ट वर्चुअल समिट ऑफ G20 नेशन?
वर्चुअल समिट मतलब ऑनलाइन समिट G20 नेशन की सबसे पहले किसने उसकी सदारत की, तो वो है जी सऊदी अरेबिया। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच आइलैंड इज लूजिंग आइस शीट 6 टाइम फास्टर देन 1990, तो किस जजीरे ने, तो वो है जी एंटार्क्टिका, जिसने 6 टाइम्स इस दफ़ा ज़्यादा लूज़ की है आइस शीट 1990 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, विच टू नेशन आर इन्वॉल्व इन द कोरल आइलैंड्स डिस्प्यूट, तो कौन से दो मुल्क का झगड़ा है कोरल आइलैंड पे, वो दो मुल्क हैं रशिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द एज ऑफ द ओल्डेस्ट इरानियन सर्वाइवर ऑफ कोविड-19 वायरस, क्या एज है जो सबसे ओल्डेस्ट हैं, सबसे बड़े हैं इरानियन जो कि कोविड-19 के उनको हो गया था लेकिन उससे वो बच गए हैं, तो उनकी एज है 103 ईयर्स, 103 ईयर्स। तो उम्मीद है कि आज की वीडियोस आपको पसंद आई होगी, तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।